वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृंदावन तुलसीदेव वैपायिकेश्वरश्च कृष्णभक्तिपद देवी सत्वत्वी नमो नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्गुरुं धैयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं वीतातिहं पुनतपालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरीजित किमपि गपवधू स्वादर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मे कदा किभां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियादगदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनैकवितरौ कमलायुताक्षु विशाम्बरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे यवत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितमां भागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
तावत् भयं द्रविण देह सुहित निमित्तं तावत् स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावत् ममो इति अशत अवग्र आर्ति मूलं जावन्नौति अंग्रिमवयं प्रवृणीत लोकः तावत् भयं द्रविण देह सुहित निमित्तं तावत् स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावत् ममो इति अशत अवग्र आर्ति मूलं जावन नौति मंगिम वयम पब्रणी तो लो कहा। गौरी गोष्ठीपोती शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जी ने बताए, हम लोगों का इतना कष्ट इतना दुर्गति का कारण क्या है, इतना सत्यनाश इतना सर्वनाश इतना अमंगल का क्या कारण है, हमारा दुर्गति का क्या कारण, दुर्गति गति दुर्गति। प्रभुपाद कहते हैं हमारा दुर्गति का क्या कारण है, हमारा इतना दुर्गति का क्या कारण हो सकता है। प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, मैं कौन हूँ इस बात का चर्चा नहीं होने का कारण, मैं कौन हूँ इस बात का चर्चा ना होने का कारण इतना सारे अमंगल इतना सारे दुर्गति हम लोगों का जिंदगी में दिखाई पड़ता है। संसार में तरह तरह का अट्रैक्शन का वस्तु है, काल भी चर्चा किया था, ये आकर्षण का वस्तु है प्रलोभन, अट्रैक्टिव थिंग्स, आकर्षणीय वस्तु जिसके लोभ होता है, ये सब लोभ का वस्तु आकर्षण का वस्तु हमको माया का संसार में डूबा देता है। जिस मुहूर्त में प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस समय जरा सा भी थोड़ा अनमाइंडफुल हो गया, असतर्क, जिस मुहूर्त जरा सा भी असतर्क हो गया, सतर्क नहीं रहा, इस मुहूर्त में माया राक्षसी आएगी और गला दबाकर फेंक देगी। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा प्रोटेक्शन एक ही चीज है, आप मानो या ना मानो आपका बात है, लेकिन ये 100% परफेक्ट सिद्धांत है। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत कथा हर दिन सुनने का ना सुनने का कारण इतना मुश्किल मुसीबतें, हर वक्त हर समय हर दिन हरि कथा हरि चिंतन में लगे रहने से हरि कथा सुनने से माया का जो ट्रैप है माया का ट्रैप से उद्धार नहीं मिल सकता। असतर्क होने से माया का जो फंदा है उसे उसके रिहा पाना मुश्किल है, संभव नहीं है बिल्कुल। हमारा अमंगल का तरह तरह का अमंगल आ रहे हैं, गुरु जी ने नियम बताए, सुबह में उठने का बात साथ साथ आंखें खोलने का साथ साथ गुरु वैष्णव का नाम गुरु वैष्णव का चरण का चिंतन ये होनी चाहिए। सुबह में उठने का बात इस विषय में अगर हरि कथा चर्चा किया जाए तो समझ में आएगी ये क्या रखा है। वैष्णव शरण में गुरु वैष्णव का शरण में दुनिया भर का अमंगल भाग जाता है। शिला भक्ति वाला तृत्व गोसि महाराज जी मेरा गुरु जी सिखा गुरु जी हर वक्त बोलते थे गुरु वैष्णव भगवान तीने शरण है विघ्न विनाशन अनायास है निजो वांछित पूरण, हर वक्त ये बोलते थे रिमाइंडर देते थे ताकि भूल जाए। बद्ध जी भूलना ही तो स्वभाव है, टू आर इज ह्यूमन, भूल जाना ही हमारा स्वभाव है, लेकिन
एक बड़ा गहरा सिद्धांत विचार है इसमें, नहीं भूलना और भूलना, ये दोनों में इतना सुंदर सिद्धांत विचार गौड़ीय विचार में है जो हैरान हो जाओगे। प्रीति और स्मृति, प्रीति प्रीति माने प्यार, और स्मृति जिस विषय में मेरा प्रीति नहीं है इस विषय में स्मृति को बनाए रखना मुश्किल है। स्वाभाविक रूप में जिस विषय में मेरा स्मृति है, जिस विषय में मेरा प्रीति स्वाभाविक है, उसमें स्मृति प्रीति है तो स्मृति भी है, और स्मृति प्रीति नहीं है तो स्मृति भी नहीं है। इसलिए गुरु वैष्णव में अगर प्रीति है, भगवान का भगवान भगवान के चरण में प्रीति है, तो तरह तरह का सिद्धांत तो विचार आते रहेगा, हृदय में प्रकाशित होते रहेगा। ये कोई बनावटी बातें नहीं, परीक्षा करके देख लिया करो। प्रीति और स्मृति इंटर रिलेटेड, जहां प्रीति है वहां प्रीति का वस्तु में स्वाभाविक स्मृति, स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस स्मृति रहता है। भगवान में प्यार नहीं है, गुरु वैष्णव में प्यार नहीं है, तो कैसे स्थिति बने रहेगा? इसीलिए अमंगल ही अमंगल, क्योंकि मेरा अहंकार है अपना मंगल हम कर लेंगे। पहले भी कई बार कह चुका है, बद्ध जीवों का हृदय जो है वी आर मोर और लेस कंटेमिनेटेड विद मायावाद विचार। कम थोड़ा बहुत, कम और ज्यादा, मोर और लेस, हम लोगों का हृदय जो है मायावाद से कंटेमिनेटेड है, दूषित है, क्योंकि गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं है। एक बार परीक्षा करके जरा देख लेना, सुबह में उठकर आंखें खुलता कितना बजे, 8 बजे कि 3 बजे, पहले ये विचार करो। 8 बजे उठने का तो ये मतलब है अमंगल ही अमंगल, क्योंकि शास्त्रों का विचार है, सूर्योदय का शास्त्रों का विचार है, सूर्योदय का पहले आंखें खोलना जरूरी है। जो भी है, यहां बताया गया स्मृति और प्रीति इंटर रिलेटेड, जो हमारा स्वाभाविक प्रीति है स्मृति है, सुबह में वो आंख खुलने का साथ साथ गुरु वैष्णव का शरण करना भी जरूरी है। गुरु वैष्णव के जितना गुरु वैष्णव का नाम याद है हमारा संप्रदाय का, या सारे गुरु वैष्णव का स्मरण करना जरूरी है, और हर वक्त बोलते रहना, मुंह को चुप करके नहीं, मायावादी का मापी, सुबह में उठने का साथ साथ कौवा का मापी, का मटेरियल बातें करते रहते, जितना टाइम हो सके मौन रहना सुबह में, क्योंकि इसमें अनुभव का बड़ा रास्ता खुल जाएगा। और जो कुछ भी है ये बताया कि स्मृति नहीं रहता है। और जो श्लोक देके शुरू किया था, यहाँ बताया गया तावद भयम दोबिन देह स्वित निमित्तम, तब तक हमारा हृदय में एक डर, एक हर वक्त डर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का विचार है, जब तक भगवत चरण में शरणागत न हो पाए, भगवत चरण में नहीं, गुरु वैष्णव के चरण में, या तो भगवान एक ही बात है, क्योंकि गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत होने का साथ साथ भगवान में, भगवान के चरण में शरणागति सिद्ध हो जाता है। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ए मस्ट बी इक्वल टू सी, ऐसा। तो तावत भयम दोबिन देह स्वित निमित्तम, तब तक अपना शरीर और शरीर का साथ जुड़ा हुआ विषय, द्रविण मतलब पैसा पैसा धन दौलत, तावत भयम द्रविण देह स्वित निमित्त, अपना घर परिवार के लिए डर बने रहेगा, कैसे उसको बचाए, कैसे उसका मंगल हो, मंगल का कोई डिफिनेशन ही जानता नहीं। तावत भयम द्रविण देह स्वित निमित्तम, तावत स्पृहा, हृदय में तरह तरह का स्पृहा पैदा होता है, भोग का, भोग विलास का स्प्रिया है कुछ करने का, तावत स्पृहा द्रविण देह स्वित निमित्तम, तावत स्पृहा परिभवु विपुलश्चलो, बड़ा लोभ पैदा होता है।
जावन नौते अंग्रिम अभयम पवृणी तो लोका, जब तक भगवान आपका चरण को, जब तक अपना चरण को अपनाता नहीं, नहीं अपनाता है भगवान का चरण को, तब तक ये डर बने रहेगा। ये द्वितीय अभिनिवेश, इसको ही द्वितीय अभिनिवेश, सेकंड अभिनिवेश, सेकंड भयम द्वितीय अभिनिवेश तहसात ईशात अपतर्ष विपर्य अस्थिति तन्मया या अतो बुध आवयत्वम भक्ति को येषम गुरुदेव तात्मा, काल भी चर्चा किया था। तो तब तक हमारा एक डर, अननोन फियर हमको फॉलो करते रहेगा। तावत भयम द्रविण देह स्वी, अपना शरीर, अपना द्रविण, पैसा धन दौलत, सुहित घर परिवार के लिए, तावत स्पृहा, एक स्पृहा मैंने तीव्र भोगने की इच्छा, स्पृहा परिभव, स्पृहा जब रहता है, लोभ लालची रहता है, परिभवो मतलब ये डिफिएट होना। यहाँ तक कि बड़ा पंडित है उसका अंदर में अगर लोभ है तो इसका पराभव है, होगा ही होगा, लोभ से पराभव, तावस प्रिया परिभवो, उसका पराजय होगा क्योंकि लोभ है अंदर में। परिभवो विपुलस्य लोभ, बड़ा लोभ है अंदर में, पराभव होगा। स्प्रिया परिभव विपुलस्य लोभ, जावन्नाते अंग्रिम अभयम प्रवृणीते लोका, प्रवृणीते प्रकृष्ट रूपे, प्रकृष्ट रूपे परफेक्टली फ्रॉम हार्ट, अंतकरण से अगर भगवान चरण में शरणागत हो गया तब तो बन जाएगा, पर काम बन जाएगा, नहीं तो तावस्विया परिभव विपुलस्य लोभ फॉलो, ये होते रहेगा, इसका कोई छुटकारा है नहीं। जगत में परफेक्ट साधु का रियलिटी, इस विषय में सतर्क होना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इज अबाउट दिस पॉइंट, इस विषय का ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए, इस विषय के ऊपर बहुत गहरा ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जड़ जगत में खाटी परफेक्ट साधु का आदर नहीं है। कोई ये जड़ जगत का कलिकाल का आदमी पक्का साधु को सम्मान नहीं करते, आ करते तो है बहुत कम, बहुत कम लोग, अनगिनत लोग जो है साधु को सम्मान नहीं करते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट चीज, खाटी, खाटी माने परफेक्ट, जिसमें कोई मिलावटी नहीं है, ऐसा वस्तु दुर्लभ है। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा वस्तु जगत में दुर्लभ है, खाटी जीनिस, मिलावटी जीनिस का हर वक्त सम्मान है, जिसमें मिलावटी नहीं है ऐसा वस्तु का सम्मान, ये तो पहला बात तो ये सुदुर्लभ, दुर्लभ है और इतना सीधा नहीं है, परफेक्ट और परफेक्ट साधु या परफेक्ट वस्तु का उतना आदर नहीं है, जबकि मिलावटी वस्तु का बहुत आदर है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो, प्रभुपाद कह रहे हैं जो सब साधु, जिन सब साधु ने, जो सब साधु, प्रभुपाद कह रहे हैं जिन सब साधुओं ने आम आदमी को गलत रास्ता नहीं दिखाता है, हर वक्त अंतकरण से हरि कीर्तन, हरि कथा करके बद्ध जीवों को रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रपद कह रहे हैं ऐसा मापिक पक्का साधु का वर्तमान युग में कोई पूछ नहीं है, आदर नहीं है। जे सब साधु, जो सब साधु, जिन लोगों ने, जिन सब साधुओं ने बद्ध जीवों को उल्टा रास्ता नहीं दिखाता है, हर वक्त अपना जिंदगी में हरि कीर्तन, हरि कथा को ही प्राण बना लिया और बद्ध जीवों को हरि कथा कीर्तन के द्वारा परिवर्तन लाने का कोशिश कर रहा है, उन्मुख करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा मापी पक्का साधुओं का वर्तमान युग में कोई पूछ नहीं है, आदर नहीं है।
धर्म का नाम में, धर्म का नाम में जिन सब लोगों ने साधु का वेश धारण कर कर बद्धजीवों को उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं, इन लोगों का सामने जाकर अपना जिंदगी को सर्वनाश का घाट में उतारने के लिए ये लोग व्यस्त है, वहीं जाता है ज्यादा। यो लोग हरिभजन का नाम पर वंचना करके साधु का वेश धारण कर कर आदमियों को उल्टा रास्ता नहीं दिखा रहे हैं तो उन लोगों का क्या है, विपदगामी। जो लोग भजन का रास्ते में वर्तमान युग धर्म का नाम पे साधु का वेश लेकर उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं, इन लोगों का सामने इन लोगों का हाथ में वंचित होना ही हमारा काम है, इसीलिए वंचित हो जाते हैं। वास्तव साधु किसी को चीटिंग नहीं करते, किसी को भड़काते नहीं, वास्तव साधु किसी को फ्लैटरिंग कथा अर्थात आनंद देने वाला कथा को बोलते नहीं, उसको रिझाने के लिए पक्का साधु पब्लिकों को आम आदमी को रिझाने के लिए प्रवचन नहीं करते। और ऊपर से पक्का साधु ये नकली साधु है, बदमाश है, भड़काने वाले हैं, ये लोगों को पकड़ा देते हैं, ये देखो ये चीटर है। लेकिन ये जो नकली साधु है, बदमाश है, ये लोग क्या करता है, ये प्रभुपाद का कहना है, वो चोर जा रहा है, वो चोर, इनको आप चोर दिखाओगे, वो उल्टा चिल्ला के चोर जा रहा है बोल के अपना लोगों को बोका बनाकर अपना रास्ता को ढूंढ लेते हैं, उल्टा रास्ता भी चले जाते हैं। आई बात समझ में, साधु गुरु वैष्णव ऐसा चोरों को, बदमाश मक्कारों को अपना प्रवचन के द्वारा पकड़ा देता है, देखो ये चोर है बदमाश, और वो बदमाश लोग क्या है और उल्टा चिल्लाता है, चोर है, चोर 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 जा रहा है, वही चोर है। और लोग भाग रहा है, लोग सोचता है कि वो भी मेरा माफी चोर को पकड़ने के लिए दूर है, असली बात तो ऐसा है वो चोर है। एक कहानी प्रभुपाद जी ने बताए हैं, बहुत सुंदर। भले एक दारुका दिन का टाइम में दारुकागिरी करे और रात का टाइम में क्या करे, रात का टाइम में वो चोरी करे, किसी को दे के चोरी कराता है, वो करता है। एक दफे क्या हुआ, इसका पोल पट्टी खुलने वाला था, हालत खराब हो गया और चोरी करके भागने का कोशिश कर रहे हैं, इतने में गृहस्थ जग गई। जगने के बाद वो चिल्लाया, चोर चोर, उन्होंने देखा तो अब तो मुश्किल है, वो भी चिल्लाना शुरू किया, चोर 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 चोर। और लोग सोचा कि वो भी मेरा माफिक चोर को ढूंढ रहा है, ऐसा माफिक दो, वो असली चोर है वो, लेकिन एक रास्ता ढूंढ के निकल गया। ऐसा प्रैक्टिकल घटना हुआ। तीर्थ महाराज जी का विश्वानुभूल के लड़का है, बोले ये क्या है, मुर्शिदाबाद में एक नया साइकिल ये रख के अंदर में घुसा किसी बैंक में किस काम के लिए, आके देखा साइकिल लेके कोई जा रहा है, वो चिल्लाना शुरू कर, दौड़ के चोर है साइकिल लेके भाग रहा है। और वो इतना चालू है, वो भी हाथ हंस के बोल रहा है, मेरे को पकड़ना मुश्किल है, ऐसा करके चालाकी करके बस भाग गया। लोग सोचा कि आपस में वो मजा कर रहा है, ये दोस्त है उसका, मेरे को तो पकड़ना मुश्किल है तेरे लिए, दे पकड़ के दिखा, ऐसा मजा करते थे तो नया साइकिल का भाग गया। और लोग सोचा कि आपस में ये मजा कर रहा है दोस्त, ऐसा ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग प्रतारक है, प्रचारक नहीं है, प्रतारक चीटर, प्रचारक नहीं है, प्रतारक हैं, ये तो
पोतारक इसका काम ही है लोगों को रिझाना, पैसा इकट्ठा करना, और क्या काम क्या है। और प्रत्येक समन्वयवादी, और ठगी सब कोई का पोल पट्टी खोल देते हैं साधु लोग, इसलिए उसका आदर नहीं है जगत में। तकदीर अच्छा होने से अच्छा खासा साधु का प्रवचन सुनने में मन मन लगता है, सावधान होके। वर्तमान समय में वास्तव हरि कथा मेरा रुचि का खिलाफ है, ये हो सके। वर्तमान समय में ये जो पक्का साधु गुरु वैष्णव के जो कठोर प्रवचन है, हो सके कि ये मेरा वर्तमान जो रुचि है इसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से निंदा चुकली बंद करके इसी बात को ही सुनना है, आगे चल के मंगल का रास्ता खोलना है। ऐसा ही रास्ता दिखाए प्रभुपाद जी ने बताए जे आदमी सब, आपने को प्रभुपाद जी ने बताए, सब आदमी सोचते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट। हर आदमी का विचार है मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरा बुद्धि बहुत काफी बुद्धि है। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं रियली दे आर इंटेलिजेंट बट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेशन। भगवान का विचार में वो इंटेलिजेंट नहीं है, अपना अपना हिसाब से हर आदमी होशियारी दिखाता है, अपना अपना हिसाब से हर आदमी होशियारी दिखाता है, चालाकी दिखाता है, मैं सोचता है कि मैं चतुर हूं। भक्तिमंटर को अकॉर्डिंग टू ओन एस्टिमेट अपना अपना हिसाब से वो बुद्धिमान है, लेकिन भगवान उद्धव जी को कह दिया कि ये लोग वास्तविक रूप से बुद्धिमान नहीं है। उद्धव बुद्धिमान तो वो है जो ये 2 दिन का जिंदगी पकड़ के नित्य जीवन क्या है, आनंदमय जगत क्या है, इसका अनुसंधान करे। ऐशा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषीनाम जत सत्यम अनृते नेह मरते न अपनति अमृतम। ये 2 दिन का जिंदगी मिला है, ये 2 दिन का जिंदगी मिला है, समय खराब नहीं करते हुए हमारा ये फर्ज बनता है। अमृत क्या चीज है, अमृत क्या चीज है, उसको प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करे। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन इसी को बुद्धिमानी बोले, इसी को बुद्धिमान माना जाता है। और अमृत के बारे में जड़ जगत में जितना सारे रॉन्ग कंसेप्शन है, वो सोचता है कि कुंभ मेला में चान करे, कुंभ मेला में डुबकी लगा के आए कि अमृत मिले। अरे हम लोगों को वो सब अमृत का जरूरत है नहीं। पोपा जी ने अपना जिंदगी में एक भी बार कुंभ मेला में स्नान नहीं किए, मैं एक भी कुंभ मेला में ज्वाइन नहीं किया आज तक, कभी कुंभ मेला देखा ही नहीं मेरा इच्छा ही नहीं है ये सब देखने का, क्या करे सब, ये अमृत हमको नहीं चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में गोपियों को बता दी क्लियरली जो मोई भक्तिर ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते, मोई भक्तिर ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते। अमृत तो किसको बोला जाता है, भद्र जीव भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा चरण में किसी का अगर भक्ति पैदा हो जाए इसी का ही नाम है अमृत। प्रभुपाद कहते थे भूते पश्यन्ति बर्बरा अक्षर, कभी कभी प्रभुपाद ये कहानी बताते थे भूते पश्यन्ति बर्बरा, महाराज इसका माने क्या है ये समझा नहीं। भूते पश्यन्ति बर्बरा, भूते माने हो जाने का बाद, किसी चीज होने का बाद अकल अकल नहीं है, बाद में समझ ओ हो मेरा गलती हो गई। ये भूते पश्यन्ति बर्बरा, जिसका बुद्धि कम खूब कम है अकलमंदी है, वो सारे अमंगल हो जाने के बाद फिर भी समय में नहीं पाता, क्या बात है, क्या अमंगल हुआ है। इसीलिए प्रभुपाद एक छोटा सा इतना सुंदर कहानी बताते थे, इसका द्वारा
प्रभुपाद हम लोग का आंखें को खोलने का कोशिश की। कैसा है भले भूते पश्यन्ति बरबरा, इसका माने क्या है महाराज? माने यह है राजा पश्यति कर्णाभ्याम धिया पश्यति पंडितः पशु पशु पश्यति गंधेन भूते पश्यन्ति बरबरा। माने क्या है? माने राजा जो है, जो प्रभावशाली राजा होते हैं, वो अपना देश का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसका मिनिस्टर है, मंत्री, दूत, मैसेंजर है, सब दूतों को भेज देते हैं एक राज्यों का कोने कोने में, अपना दूत अपना मैसेंजर को भेज देते हैं, कहाँ कैसा स्थिति पैदा हो रहा है ये स्थिति का बारे में राजा राजा को इन्फॉर्मेशन देते रहे। इफेक्टिव राजा का ये काम है। आजकल का जमाने में राजतंत्र तो बाहरी दृष्टि में नहीं है, खर्च चलो कोई बात नहीं, फिर भी विचार किया जाए, हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा चेंज हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जो एक देश दूसरे देशों से इन्फॉर्मेशन लाने के लिए जासूसी हैं करवा देते हैं, किसी से जासूस लगा देते हैं। जैसे कि हम उदाहरण दें, रामचंद्र जी साक्षात भगवान रामचंद्र, फिर भी श्री श्री रामचंद्र हम लोगों का शिक्षा के लिए रात के समय में, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में रामचंद्र जी बाहर निकाल के ऑर्डिनरी बेस लगाकर बाहर में घूमते डोलते थे, कहाँ मेरा मेरा राज्य में कई कोई अमंगल तो नहीं है, कोई उठपटांग तो नहीं हो रहा है, ऐसा करके रामचंद्र ऑर्डिनरी सिविल ड्रेस, रामचंद्र जी सिविल ड्रेस में घूमते थे। प्रहलाद महाराज का बारे में भी भागवत में है, प्रहलाद महाराज जी भी अपना रास्ते में डोलते थे, रात की समय अपना बेस बदल के डोलते थे, क्या क्या कोई राज्य में कोई अमंगल तो हो नहीं रहा, अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ऐसा करके। ये नियम है इफेक्टिव राजतंत्रों का, इफेक्टिव राजतंत्रों का एक गुप्त रहस्य है, जो जितना राइट इन्फॉर्मेशन राज्यों का कोने कोने से प्राप्त कर सके, वो उतना ही इफेक्टिवली अपना किंगडम को, अपना राजधानी को, राज्यों को चला सके। ये नियम है, ये कोई आज का नियम नहीं है, ये बनी ये पहले से ही है ये नियम। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं राजा पश्यति कर्णाभ्याम, राजा कानों के द्वारा देखता है, ऐसा कैसा माने है इसका ही खुलासा करें। राजा पश्यति कर्णाभ्याम धिया पश्यन्ति पश्यति पंडितः पशुहु पश्यति गंधेन भूते पश्यन्ति बर्बरः। पहले पहले राजा का बारे में सिंगुलर नंबर, धिया पश्यन्ति पश्यति पश्यति पंडितः सिंगुलर नंबर, पशु एक कई एक एक पशु का बारे में बताया, कोई भी पशु पशु पश्यति नॉट पश्यन्ति, लेकिन अंतिम में भूते पश्यन्ति बर्बरः। जो लोग एकदम पागल है, बुर्वक है, बोका है, बुद्धू है, ये लोग यहाँ प्लूरल नंबर यूज किया। तो कैसा राजा अपना कान के द्वारा दर्शन करते रहते हैं और ना कानों के द्वारा देखने का मतलब ये होता है दूतों, दूत है ना मैसेंजर, दूतों का भेजा हुआ संवाद, इसको विचार करके अमल करते हैं, करके विचार बनाता है जो कैसे क्या करना चाहिए हमको, ये विषय को दर्शन करते, अब ऐसा 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 बात है, अभी सिचुएशन ऐसा हो गया, हमको ऐसा करना है। तो इसका दर्शन जो राजा का जो दर्शन है, वो राजा कुत्ता का मापिक डोलते रहे पूरा राजा, ऐसा नहीं, राजा ज्यादातर मैसेंजर का माध्यम संगत को प्राप्त करके अकॉर्डिंग टू दैट इनिशिएटिव लेते हैं। और पंडित व्यक्ति जो है विचार उसका इतना तीखा है, उसका विचार इतना तीखा है कि कोई भी इंसिडेंट हो गया होने के बाद तुरंत इसको बुद्धि के द्वारा इसको एनालिटिकल विचार करके
एक उदाहरण दे दे, मिसाल, जैसे 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 सनातन गोसाई के बारे में, सनातन गोसाई को कैसे राजा बुला के लेके गया, कैसे राजा बुला के लेके गया, ये सबसे बड़ा चीज है, एक कहानी है, अब बोलने का टाइम नहीं है। ये एक व्यक्ति जो है सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर को राजा ने चाबुक से पीटा, पीटने के बाद जाओ करके उसको भेज दिया। और किस लिए? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का गलती है। राजा ने कुछ ना, खाली बोला जा इधर से। जाने का बाद वो चला गया, लेके आ, क्या लेके आ, कोई मैन क्या लेके आ, वो एकदम अच्छा खासा एक कंस्ट्रक्टर को लेके आया जो विचार करके बना सकता है। सनातन गोसाई के बारे में भी ऐसा घटना है, सनातन गोसाई के बारे में भी एक सुंदर घटना है। जो सनातन बुद्धि से काम लेते थे, बहुत इतना गहरा विचार है। महाप्रभु कहते थे सनातन समो विज्ञो नहीं थी भुवाने। एक कहानी एक सुंदर, अभी समय नहीं है, बाद में बताएंगे, हमको हमारा याद है। और कहानी ऐसा है, उसको तो पिटाई करके भेज दिया, बोले लेके आ, क्या लेके आ कुछ पता नहीं था। वो जाके इस सनातन गोसाई के साथ किसी घटना है उसका साथ मिला, और सनातन गोसाई के सारा सारा घटना बताए। सनातन गोस्वामी जी ने पूछा, राजा तुमको पिटाया क्यों? बोले इस कारण, और करके बोला जा लेके आ, कि क्या लेके आ कुछ पता नहीं। सनातन गोसाई बोला, किस जगह में खड़ा होकर किस सिचुएशन में ऐसा बताया? तो पूरा खुला, बोले एक काम करो, इस गांव में जाओ, वहां नंबर वन कंस्ट्रक्टर है एकदम बहुत बड़ा, उसको लेके जाओ, समाधान हो जाएगा। तो बाद में जब राजा के पास गया, राजा बोला, अरे तू तेरे को पता कैसे है, हम तो बता नहीं। बोले एक बड़ा तीखा बुद्धि वाला आदमी है, वो मेरे को ऐसा बताया। हमने बोला, हमने हैरान हो गया, राजा किस लिए पिटाया, हम भेज दिया। बोले तू लेके जा, राजा संतुष्ट हो जाए। तो ये जो है सनातन समो विज्ञो नहीं थी भुवानी। तो ये जो पंडित जो बुद्धि विचार के द्वारा किसी चीज को दर्शन करते हैं, जैसे काल एक घटना हमने बताई, प्रभुपाद का बताया हुआ घटना, जैसे जो वृद्ध बानर है, वृद्ध बानर बूढ़ा बानर, वो बोले बाकी अपना खानदान को, बोले इधर से भाग जा। बोले क्यों जाए, जाएंगे नहीं। बोले जा नहीं तो प्राण जाएगा, जिंदगी जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सुना नहीं, उसका बुद्धि है, विचार करके देखा, अभी ना जाए तो इसका लिए मुसीबत हो सकता। ऐसा करके पंडित व्यक्ति विचार बनाता है, उसका बाद दर्शन करते हैं। और पशु, कोई भी पशु अपना घ्राण के द्वारा, पशु का दर्शन का विषय है। एक कुत्ता को लगा दो घ्राण लेके फिर चलते रहते हैं, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के कुकुर, कहाँ मर्डर केस हुआ है वहां घ्राण लेके फिर चलते हैं, कहाँ जाके उसको पकड़ते हैं इतना। तो पशु पश्यति गंधेनो, और भूते पश्यति बर्बरा, मतलब सारे घटना हंगामा अमंगल हो जाने का बाद फिर भी एक जो भूखा आदमी है समझता नहीं। प्रभुपाद ये घटना के द्वारा विचार बताया, जब पंडित गण बुद्धि के द्वारा विषय का दर्शन करते हैं, और अत्यंत मूर्ख जो है पशु गंधे के द्वारा, पशु घ्राण के द्वारा विषय को देखते हैं, वहां घ्राण के द्वारा, जैसे एक एक टाइगर है, बाघ टाइगर, ये घ्राण के द्वारा समझ लेते हैं वहां वहां कोई मनुष्य है, और घ्राण लेते लेते वो जगह पहुंच जाता है, ऐसा विचार है। लेकिन मूर्ख आदमी सब घटना होने के बाद उल्टा पलटा अमंगल सारे उलट पलट हो जाने के बाद फिर भी समझ में आया, समझ में नहीं आता। और खुद थोड़ा बहुत भी भूते पश्यन्ति बर्बरा, थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है चलो ऐसा हमारा गलती हो गया,
लेकिन फिर भी यह गलती को दोबारा जिंदगी में ना होए इसके लिए याद नहीं रहता, फिर भी अमंगल करते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं, उसके याद नहीं है। पोपात ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हुए ये घटना को कहते हुए पोपात का कहने का विचार है, ये शुद्ध भक्तगण, शुद्ध गुस्क, शुद्ध गुरु वैष्णव जो है, माया का कितना किस्म का ट्रैप है। शुद्ध भक्तों, जितना सारे शुद्ध भक्त है, वो माया का तरह तरह का ट्रैप है, ट्रैप फंदा है। इस बारे में हरि कथा बोलते रहते हैं, सावधान बना देते हैं, और भक्ति का रास्ते में चलाने का कोशिश करता है बद्ध जीव को। और जो चालू व्यक्ति है, जिसका विचार बुद्धि काफी, जिसका अंदाजा अच्छा है, वो उपलब्धि कर लेता है और लेके साधु का अनुवर्तन करते रहते हैं, और सर्वतोभावे हर हालत में वो पूरा एकदम सावधान होके हरि भजन में लगे रहते हैं। लेकिन जो बोका व्यक्ति है, पशु से भी अधम है, मूर्ख है, ये इतना सुनने का बावजूद, इतना देखने का बावजूद, उतना कुछ उपलब्धि में उतारता नहीं, इन लोगों का उपलब्धि में उतारता नहीं कुछ। ये लोगों का पशु का दर्शन है, ये रक्त मांसो, जिस आंखों से रक्त मांसो लड़का लड़की ये देखा जाता है, टट्टी पेशाब, इसी के ऊपर इसका भरोसा है। इसको प्रभुपाद जी ने बताए प्रत्यक्ष ज्ञान, पशु का जैसे है ना, जैसा घ्राण मिला उसे दर्शन है, अप्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर इसका ज्ञान चक्षु नहीं है। ऐसा मापिक प्रभुपाद विचार बना के कहते थे, ये साधु को भी, किसी व्यक्ति अगर साधु को ये मेटेरियल आइज और मेटेरियल कानों के द्वारा ये ना समझे, मेटेरियल इंटेलेक्ट के द्वारा विचार बुद्धि के द्वारा समझने का कोशिश करे, वो तो धोखा उसको खाना ही है, वो धोखा खाएगा ही, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता इसका लिए खुला नहीं है। जो भी है, काल चर्चा हो रहा था कैसे कैसे बद्ध जीवों का ये जो जिंदगी मिला है, बद्ध जीव है, बद्ध जीवों का जिंदगी मिला मतलब शरीर मिला है, बद्ध जीवों का ये जो शरीर मिल गया है, ये शरीर को वो लोग सही तरीका से यूटिलाइज नहीं करते, सही तरीका से ये लोग यूज नहीं करते, हर वक्त बैड यूटिलाइजेशन, वो समझते ही नहीं। और जड़ शरीर प्राप्त हुआ है मजा करने के लिए, आनंद लेने के लिए, खाओ पियो जियो, इतना सुनने का बाद भी ये लोगों का अकल नहीं है, समझ में नहीं आता कि ये जो शरीर मिला है, ये शरीर दो पल का शरीर, ये हरि भजन के लिए समझता नहीं। और ये लोगों का लिए क्या होता है, शरीर जब छूट जाता है, हमने बताया कि शरीर छूटने का मतलब मेटेरियल बॉडी, ग्रॉस बॉडी जो है, और सबटल बॉडी जो है वो तो सूक्ष्म शरीर है, और संस्कार का साथ ये जीवात्मा जो है दूसरा जोनी में भागता है। ये शरीर छोड़ने का बाद अपना कर्मफल का अनुसार दूसरा जोनी में भागते रहते हैं। ये जो रहते हैं कैसे, इसको लिंगो शरीर या तो कारण शरीर बताया गया, इसका नाम है लिंगो शरीर, लिंग मतलब सिंटम, लिंगो शरीर चिन्ह, और कारण शरीर इसलिए बताया, कारण शरीर इसलिए बताता है कि क्योंकि ये शरीर जो है कारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर मेरे को मजबूर कर दें, दूसरा जोनी में भटकने के लिए मजबूर कर देंगे, क्या करें, इसलिए कारण शरीर मतलब, कारण मतलब नया एक जिंदगी अतः शरीर देने के लिए मजबूर कर देंगे। इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार अपना पूर्व धर्म धर्म धर्माधर्मो धर्मो या अधर्मो, इसका जो विचार बना हुआ है, संस्कार है, ये पूर्व जन्मों का अनुसार
अब वर्तमान जन्म में जैसे जैसे क्रियाक्रम करे अपना संस्कार थोड़ा बदलते रहते हैं और फिर शरीर छोड़ने का समय में जिस अवस्था में पहुंचे हुए हैं संस्कार, उस संस्कार को लेके जीवात्मा दूसरा जनी में चली जाती हैं। और जन्म लेने का बाद पहले वाला लिंग शरीर का जो आकर्षण है, लिंग शरीर का जो अभ्यास है, संस्कार है, इसी को मजबूर कर देते हैं उसी रास्ता में चलने के लिए। और अचानक साधु गुरु वैष्णव का अगर संग हो गया, ब्रह्मांड भ्रमित गुण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद ब्रह्मांड भ्रमण करते करते गुरु वैष्णव का प्रसाद के द्वारा इसको क्या होता है, भक्ति लता बीज मिलते रहते, गुरु वैष्णव का साथ दर्शन हो जाता है, उपदेश मिलता है। और इसके बाद अगर इस जन्म में साधु गुरु वैष्णव का चरण आश्रय लेके हरि भजन करते रहे कोई अपराध ना बने, ऐसा सावधानी से भजन करते रहे, आगे चलकर वो अपना संकीर्तन, नाम संकीर्तन, हरि कथा और सेवा के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा अपना सूक्ष्म शरीर सबटल बॉडी को रैप्चर करके, जिसको कीर्तन में भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया लिंगो देहो भंगो हॉय अनायसे, लिंगो भंगो हॉय अनायसे, जयो जयो हरिनाम, ये कीर्तन को करना इसमें है, ये कीर्तन जयो जयो हरि नमो चिदानंदो मितो धामो परतत्तो अखरो या करो निजो जने कृपा करी नाम रूपे अबोतरी जीवे दया करिले अपारो जयो कृष्ण हरि नाम जग जन सुविश्राम सर्वजन मनसोरंजन। इतना सुंदर कीर्तन है कोई नहीं करता, सब विषय में उलझे हुए हैं, पैसा कैसे आएगा, खाओ पियो जियो ऐसा विचार, मूर्ख ऐसा करके हमने बताया था कैसे। और लिंग भंगो जब तक रैप्चर ना हो जाए, लिंग भंगो जब तक रैप्चर ना हो जाए तब तक कोई समाधान नहीं है। और 10 नंबर श्लोक में बताया था उत्क्रमंतम स्थितम बापी भुंजानम बा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पसंती ज्ञान चक्षुषा। जो बोका आदमी कोई देख नहीं पाता कुछ चीज, बोका आदमी जो है ये देख नहीं पाता कुछ समझ में नहीं आता उसको, जीव कैसे सात्विक भाव आदि सात्विक राजसिक तामसी ऐसा गुणान्वित होकर शरीर में अवस्थित है और विषय समूह भोग कहते रहते हैं, और कैसे ये शरीर छोड़ने के टाइम में कैसे शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाता है, दूसरा नया शरीर को प्राप्त करने के लिए बासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, ऐसा भगवान कहते हैं कि अज्ञ व्यक्ति जो मूर्ख है अज्ञान है अज्ञो है, ये ऐसा विचार देख नहीं पाते। ये लोग का जो आंखों है 80 पेशाब दर्शन करने का आंखें हैं, ये देख नहीं पाते। किंतु जो ज्ञानी है, तत्वविद है, जिसका तत्व चक्षु है, वो देख पाते, वो अनुभव में लाते। तो ऐसा है, साधन में जो लगे रहते हैं केयरफुली, जतंतो योगिनस स्वैनम पश्यन्त्वात्मनि अवस्थितम यतंतो ओपि अकृतात्मन नैनम पश्यन्ति अचेतसः। क्या कह रहे हैं, साधन भजन में जो केयरफुल है, ऐसा जो योगी है, अपना शरीर का अंदर में आत्मा को अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, तत्व दर्शन करते हैं और करके, किंतु जो अजितेंद्रिय है
जो अजितेंद्रिय जिसका सेंस ऑर्गन अपना कंट्रोलिंग में नहीं है, ये अजितेंद्रिय व्यक्ति अविवेकी जिसका विवेक नहीं है, विचार नहीं बनता है जिसका, ये चेष्टा करने से भी दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसका दर्शन तो खराब है। ये अगर करे मैं देख लूं कैसे कैसे क्या हो रहा है, कुछ देख नहीं पाएगा। अजितेंद्रिय अविवेकी अज्ञान व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति अगर अपना प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहे, अपना मेटेरियल प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहे, फिर भी इसका लिए दर्शन का विषय नहीं बनेगी, विषय नहीं बनेगा इसका लिए। जतंतु योगिन स्वैनम पश्यन्त्वात्मनि अवस्थितम यतंतु ओपि अकृतात्मनो नैनम पश्यन्ति चेतसः। ये लोग देख नहीं पाते। बाद में बताया भगवान, जदादित्यगतम तेयो जगद भाषयति अखिलम यच्चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेयो विद्धि मामकम। क्या बताया? काल बताया था इस बात को, अर्जुन ये जो देख रहा है ना, ये जो सूर्य का तेज है जिसके द्वारा ये जगत प्रकाशित है, सविता, सविता सूर्य का नाम है, सविता जगत प्रकाशते, यो व्यक्ति ये जो अनुभव होता है जिसका, ये अर्जुन ये जो आदित्य सूर्य का जो तेज है जिसके द्वारा जगत आलोकित होते हैं, उद्भासित होते हैं रोशनी से, जदादित्यगतम तेयो जगद भाषयते अखिलम यदादित्यगतम तेयो जगद भाषयते अखिलम। हैं क्या? जदादित्यगतम तेयो जगद भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसु यच्चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेय विद्धि मामकम। भगवान कह रहे सब मेरा विभूति है और कुछ नहीं है, सारे मेरा ही है तेज। उसके बाद भगवान अपना विभूति के बारे में बता रहे हैं, अर्जुन अर्जुन विचार करके ये विचार करना, ये जो गम गम अविश्यो च भूतानि धारयामी अहम ओजसा पुष्णामी चौषधि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक क्या लिखा है ध्यान देना, लिखा है ज्ञामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। बल गाम गाम मतलब पृथ्वी, अर्जुन ये पृथ्वी का कोने कोने में मैं प्रविष्ट होकर पृथ्वी को धारण करके रखा, गाम अविश्यो च भूतानि, और ये पृथ्वी में प्रविष्ट होकर तमाम जीव राशि को मैं धारण करके रखा हूं, मैं नहीं हूं तेलक कुछ नहीं बचेगा। गाम अविश्यो च भूतानि, क्या बताया? गामा विश्यो च भूतानि धारयामि ओजसा अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। कह रहे कि पृथ्वी का कोने कोने में मैं प्रविष्ट होकर पृथ्वी को धारण करता हूँ, धारण करके रखा हूँ, और तमाम इन्फिनिटी जीवों को भी मैं धारण करके रखा हूँ,
और ये जो चंद्रमा का जो रोशनी है, ये चंद्रमा का रोशनी के द्वारा अमृत फैलता है। ये चांदनी रातों में, चंद्रमा का जो ज्योत्सना रोशनी फैलते हैं, इसके द्वारा औषधि हरा भरा हो जाते हैं, औषधि। और लता पता औषधि जो है, ये सारे ये पुष्टि हो जाते हैं। औषधि का मतलब है जो एक बार फल देके मर जाते हैं, इसके नाम औषधि। जैसे धान पेड़ है, केले हैं, ये सब औषधि, एक बार देने के बाद बचेगा नहीं। केले, ये सब औषधि है, बहुत सारे औषधि है। औषधि नहीं है तो हम लोग बचेंगे कैसे? औषधि मतलब ये पेड़ पौधा जो है, जिसके द्वारा हम तरह तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन आदि सब प्राप्त करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पुष्णामी चौषधि सर्वहा, सब औषधि वृक्षों को, ऐसे तो हर वृक्षों को, विशेष करके पुष्णामी चौषधि सर्वहा, जितना सारे औषधि लता पता औषधि है, सोमभूता चंद्रमा बनकर, रसात्मक रस इसका अंदर में संचारित करते हैं। सोमभूता रसात्मक, इसका अंदर में जो औषधि है रसात्मक, ये हम भरपूर भर देते हैं इसका अंदर में, सब लता पता का। उसका बाद भगवान 14 नंबर श्लोक में, ये 13 नंबर श्लोक गया, 14 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देहमाश्रितः प्राणाप्राण समायुक्तः पचाम्यि अन्यं चतुर्विधम्। क्या बताया भगवान? कह रहे हैं अहम वैश्यनर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, ये वैश्यनरो, अमली बहुत सारे नाम हैं, कराली आग का फ्लेम, आग का कई सारे नाम हैं, और वैश्यनरो अग्नि इसका भी एक विशेष है। अहम वैश्यनर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणाप्राणो समायुक्तः पचामि अन्यं चतुर्विधम्। क्या कह रहे? अहम, भगवान कह रहे अहम, अपने को दिखा के बोले अहम मैं। यह मायावादी लोग कैसे इसका विचार करे? भगवान कह रहे अहम, अहम सर्वयुग्यानम, ये जो सब कुछ है अहम, इसको पर्सोनिफाई, भगवान पर्सोनिफाई करके बताया। सो मायावादी लोग कहाँ कहाँ जाए, इसका विचार कैसे बनाए? पागलपंती, इम्पर्सनल ब्रह्म स्थापन कर। अरे भगवान कह रहे मैं बोल रहा बार बार, तो कहां से इम्पर्सनल आ गया? पागल। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणाप्राणो समायुक्तः पचाम्य अन्यम चतुर्विधम। क्या बताया? अहम मैं वैश्वानरो अग्नि का रूप पकड़कर हर पानी का जठर में पेटू का अंदर, प्राणीनाम देहमासित, प्राणी का शरीर में, हर पानी का शरीर में उपस्थित होकर, वो जो जो भोजन करता है ना, वो खट्टा मिट्टा चटपटी सब खाते रहते हैं ना, अब भगवान कहते हैं और ये तो कुछ नहीं पचा नहीं पाएगा, अब मेरे को पचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, मैं पचाता हूं, वो सोता है वो पचाता है। भगवान कह रहे हैं प्राण समायुक्त निश्वास प्रश्वास, प्राण समायुक्त, ये निश्वास चल रहा है ना, सांस चल रहा है,
ये जो सांस प्रश्वास चल रहे इसके द्वारा भगवान करे वैश्वनर अग्नि का रूप पकड़ कर मैं हर जीवों का जठर में पेटू का शरीर के अंदर में रहते हुए वो जो खाते रहते हैं ना, ये पागल का माँ भी खाते रहते हैं, कुत्ता का माँ भी है खाते रहते हैं। पचामी अन्यम चतुर्विधम, ये जो हजम करते हैं, ये जो पचाने का दायित्व तो मेरा है, मैं पचाता हूँ। कैसे पचाता हूँ? बोले निःशस्त्र से चले, एंटीऑक्सीडेंट है और ऐसे कैसे कैसे अपना हजम कराता है, जितना सारे खाना है। तो क्या बताया? अहम वैश्य नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणाप्राण समायुक्तः पचामि अन्यम चतुर्विधम। और मैं तरह तरह का खट्टा, जितना जो चौबो चौसल्य हो पी हो, चार किस्म का खट्टा मीठा है, चटपटी है, चिवाने वाला चीज है, और ड्रिंक यू नो पान करने वाला चीज है, सारे हैं, ये सब खाते रहते हैं। भगवान इसको हजम कराते हैं, हजम मतलब डाइजेस्ट कराते हैं। हाँ, भगवान कहा मैं कराता हूं। अहम वैश्यानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणा प्राण समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। चार किस्म का ये जो खाना है, चार किस्म का खाना को मैं हजम कराता हूँ। मैं हजम भोषण और अग्नि का रूप धारण करके हर शरीर में मैं उपस्थित हूँ, हजम कराता हूँ। और 15 नंबर श्लोक में जो श्लोक है, ये सप्त श्लोक गीता का भी एक पार्ट है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः श्रीते ज्ञानम अपहनंच वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकित वेदोऽभिदेवहम्। यहां बता रहे हैं जे सर्वस्व चाम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः श्रीति ज्ञानम अपहनं च वेदस्य सर्वे रहम विविध वेदांत कृत वेद विदेव वेद विदेव चाहम। ए आत्मो चैतन्य रूप में मैं हृदय में उपस्थित हूं, परमात्मा का रूप में। आ चैतन्य तो भगवान का ही अंश है, जो चेतन चित पार्टिकल जो है, जो जीवात्मा है। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ ऐसा बताया गया, आत्मचैतन्य प्रभाव के द्वारा जीवों का स्मृति, पहला स्मृति और ज्ञान का उदय होता है। आत्मचैतन्य प्रभाव के अलावा स्मृति और ज्ञान का कोई सवाल नहीं है, मेटेरियल अप्राकृत ज्ञान का। आत्मचैतन्य प्रभाव के द्वारा जीवों का स्मृति और ज्ञान का उदय हो जाता है। जिस मुंह के कारण स्मृति और ज्ञान लोप हो जाता है, लोप माने विलुप्त हो जाता, लोप हो जाना, विलुप्त तो नहीं बोलना ठीक है। मोहों के कारण, इन्फैचुएशन, मोह के कारण ये शरीर का स्थिति और शरीर का साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो लोप हो जाता है। और ये लोप होता है, मोह से ही ये लोप हो जाता है। और तमाम वेद जो है उपदेश करते रहते हैं, वेदों का जितना सारे ऋचा है, वेदों का जितना सारे उपदेश है, ये सब जो है मेरे को ही दिखाता है। और वेद का पक्का सच्चा जानने वाला मैं हूं। वेद का पक्का सच्चा जानने वाला कौन है? मैं हूं। वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो,
और अंतिम में वेद पाठ पाठ कर कर अंतिम में क्या मिलना है, भले मेरे को ही मिलना है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्व चा अहम हृदय सन्निविष्टो मक्तः स्थिति, मेरे से ही जीवों का विस्तृति, मत्तः स्थितिर ज्ञानो अपहरण च, ज्ञान मेरे से ही, मत्तः माने मेरे से ही, तत्तो मत्तो, मत्तो माने मेरे से ही, ये जीवों का अंदर में जो स्थिति है, ज्ञान है, ये सब पैदा होता है और भैनिश हो जाता है। और वेदस्य समाम, वेद पाठ करने के बाद क्या जानना जरूरी है, भले मेरे को जानना जरूरी है, वेदस्य सर्वे रहम वेदो, और मैंने वेद बनाया रचाया सर्व वेदस्य, बोलते वेदस्य सर्वे रहम वेदो, तमाम वेद पाठ कर कर अगर मेरे को समझ में नहीं आया मेरा, तो वेद पढ़ने का क्या दरकार है। वेदस्य सर्वे रहम वेदो, आप वेदांतकृत, मैं वेदांत कृत, मैंने वेदांत किया, आप वेद विद एव, मैं अंतर्यामी का रूप में हर प्राणी के अंदर में अधिष्ठित होकर रहता हूं, मेरे से ही हर जीवों का स्थिति ज्ञान उत्पन्न होते रहता है, और ये आत्मा से ही स्थिति और ज्ञान का विलोप संपादित हो जाता है। इनफैक्ट जो मोह होता है ना, उसका बाद स्थिति कनेक्ट हो जाता है, इसलिए मृत्यु का दूसरा एक टाइटल है, मृत्यु का, मृत्यु क्या, मृत्युर अत्यांतिक विस्थिति, मौत का मृत्यु का एक टाइटल है, क्या है, बजा मृत्युर अत्यांतिक विस्थिति, कुछ नहीं याद रहना, अपना शरीर और शरीर का जुड़ा, इसको ही मौत बोला जाता है, मृत्युर अत्यांतिक विस्थिति। और वेदोव्यास का रूप पकड़कर, वेदोव्यास रूप में भगवान कह रहे सक्तावेश अवतार बनकर वेदोव्यास का रूप में मैंने वेद को लिखा है, रखा है, सामने पेश किया, वेदोव्यास का रूप में वेदार्थ प्रकाश किया, मैं एवं वेद को जानने वाले मैं हूं, वेदवेत्ता अब ब्रह्मवेत्ता मैं ही हूं। सो वेदवेत्ता व ब्रह्मवेत्ता होने से भी जब तक ब्रह्मभूत तो नहीं हो जाता जीवात्मा, तब तक ब्रह्म को अनुभव के द्वारा, फीलिंग के द्वारा, अनुभव के द्वारा जानना संभव नहीं हो पाता। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपहनं च, क्या बताया, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपहनं च, मेरे से ही स्थिति के लोप, स्थिति का सृष्टि, सब कुछ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपहनं च, वेदस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम, ऐसा करके विचार बनाया, भगवान दिखाया। आगे चलकर भगवान कह रहे हैं, दौ इमौ पुरुषौ लोके खरश्चाक्षरे एवच, खरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्चते, कह रहे हैं दो किस्म का पुरुष है, दौ एवो इमौ पुरुषौ, दो पुरुष का बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या है, दौ इमौ पुरुषौ लोके खरश्चाक्षर एवच, दो किस्म का पुरुष है, एक खर वस्तु, खर पुरुष,
एक अक्षय पुरुष। तो क्या बताया, दौ इमौ पुरुषौ लोके खरस्याक्षर एवच। दो पुरुष का कैसा कैसा नाम है, एक क्षर है, एक क्षर है और एक अक्षर है। एक क्षर वस्तु है, एक खर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। खर सर्वानि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्चते। क्या बताया, अर्जुन दो किस्म का पुरुष, दो किस्म का पुरुष ये जगत में है अर्जुन। एक उत्तम पुरुष परमात्मा, क्षर एक अक्षर, दो किस्म का पुरुष है ये लोग। इन दोनों किस्म का पुरुष है, क्षर अक्षर, ये दुई पुरुष इसी जगत में प्रसिद्ध है। इसका बारे में इंसिडेंट बड़ा फेमस है। इसका अंदर तन्मध्य, इसका अंदर सर्वभूत खर पुरुष, जितना सारे तमाम पुरुष है, अतः शरीरधारी जीव जो है, ये सब जो शरीरधारी जीव है, तन्मध्य सर्वभूत क्षर पुरुष एवं कुटस्थ अक्षर पुरुष बोले। कुटस्थ माने गोपनीय। तो क्या बताया, ये जगत में दो पुरुष का कंसेप्शन है, एक खर पुरुष एक अक्षर पुरुष। एक खर पुरुष और एक अक्षर पुरुष का नाम के, इन दोनों का बीच में सर्वभूत खर पुरुष एवं कुटस्थ अक्षर पुरुष नाम से विख्यात है खर पुरुष। तन्मध्ये सर्वभूत खर पुरुष, सर्वभूत खर पुरुष है, और कुटस्थ अक्षर पुरुष, वो जो अक्षर पुरुष जो है, अन्य एक उत्तम पुरुष परमात्मा बोल के विस्तृत है, विख्यात है। तिनी ये लोकोत्रय प्रविष्ट होने का बावजूद सबको पालन करते हुए भी अपने को अलग रख सकता है। पुरुष सबको को पालन करने का बावजूद, सो इधर लिखा है, क्या लिखा है, उत्तम पुरुषस्तु अन्यो परमात्मेति उदाहृतम जो लोकोत्रयमाविश्यो विवर्ति अव्यय ईश्वरः। क्या बता रहे, पहला वाला हमने बताया, दो इमो पुरुषो, दो पुरुष है, एक तो खर एक तो अखर पुरुष है। इवाचो खर सर्वानि भूतानि, खर पुरुष सब भूतानि, इतना सब जीव, और कुटस्थो अक्षर उच्चते, कुटस्थो अक्षर उच्चते। कुटस्थो अक्षर माने जिसका क्षय नहीं है, अविनाशी पुरुष उच्चते। ये दो किस्म का 16 नंबर श्लोक में बताया, दौ इमौ पुरुषौ लोके खरश्चाक्षर एव च, खरः सर्वानि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। क्या बताया, ध्यान से सुनना, दौ इमौ पुरुषौ लोके खरश्चाक्षर एव च, खरः सर्वानि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। आई बात समझ में, खर अक्षर दो पुरुष ये जगत में विख्यात फेमस है, प्रसिद्ध है। इन बीच में सर्वभूत खर पुरुष और कुटस्थ जो अक्षर पुरुष है, जिसका कोई क्षय नहीं है, ये अक्षर पुरुष है, ये शरीर का अंदर ही है। और उत्तम पुरुषस्तु अन्य, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृता, उदाहृतः जो लोकोत्रयम आविश्यो विभर्ति अव्यय ईश्वर। क्या कह रहे हैं, दूसरा एक उत्तम पुरुष बोल के एक परमात्मा है,
अन्य दूसरा एक उत्तम पुरुष परमात्मा का रूप पे विख्यात प्रसिद्ध है, फेमस है। ये परमात्मा रूपी भगवान जो है ये लोकोत्रय में तमाम जगत में प्रविष्ट होके, ये परमात्मा जो है ये तमाम जगत में प्रविष्ट होके ये त्रिलोक तिनी ये त्रिलोक का अंदर में प्रविष्ट होके भी, ये त्रिलोक का अंदर में ये परमात्मा के रूप में भगवान प्रविष्ट होने होने का प्रविष्ट होने का साथ साथ ये पालन भी कर रहे हैं। त्रिलोक में परमात्मा के रूप में भगवान प्रविष्ट होने का बावजूद वो पालन करता है, इसका नाम है अव्यय, तेन उसका नाम है ईश्वर। उत्तम पुरुषस्तु अन्य उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति परमात्मेति इति उदाहृतः। क्या बताया? उत्तम पुरुषस्तु अन्य उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृतः। यो लोकोत्रयमाविश्यो विभर्ति अव्यय ईश्वरः। क्या बताए? उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृतम्। यो लोकोत्रयमाविश्यो विवर्ति अव्ययो ईश्वरः यस्माद् खरम् मतितो अखराद अस्मि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रोथितः पुरुषोत्तम। क्या बता रहे भगवान? कह रहे इसीलिए यस्माद् जिस कारण भगवान कह रहे हैं यस्मात् खरम अतीतो अक्षराद उपि चरम उत्तमम भगवान कह रहे हैं मैं खर वस्तु का खर का अतीत हूं, अक्षर से भी मैं उत्तम हूं। मैं खर वस्तु से अतीत हूं और अक्षर जो वस्तु है इससे भी मैं उत्तम हूं। इसीलिए इसी कारण आदि लोग व्यवहार में और वेदों में मेरे को पुरुषोत्तम माना गया। इसी कारण मैं लोग व्यवहार में और वेदों में पुरुषोत्तम बोल के विख्यात है। आई एम फेमस, आई एम फेमस एज पुरुषोत्तम। यस्मात् खरम अतीतो, खर वस्तु का अतीत तो है ही है। यस्मात् खरम अतीतो अक्षराद उपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च पार्थितः पुरुषोत्तम। आई बात समय में ऐसा करके उत्तम पुरुष का व्याख्या भगवान ने किया। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। इसलिए पुरुषोत्तम क्यों बताया इसका सोरा सुंदर व्याख्या भगवान ने की है। इसके बाद भगवान इसका बड़ा सुंदर विचार है, वे अलग अलग उपनिषद का अंदर में इसका विचार है। किस लिए परा अपरा खर अखर ये सब शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। परा माने एब्सोल्यूट, अपरा माने जो एब्सोल्यूट प्राकृतिकत्व, तो अपरा उपरा प्रकृति, अपरा उपरा प्रकृति, भूमि राप अनलो बुद्धि है, भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इत्यंग में प्रकृति रस्यता, प्रकृति
परा और अपरा प्रकृति दो किस्म का है, और तार अपरा और परा प्रकृति के संयोग के द्वारा इस सृष्टि और जीव नाम के ये जीव भूता सनातन जो बताया जीव जीव भूता परा प्रकृति ये जगत को धारण करके रखा है। इतना सारे जीवात्मा जो है जीव भूता परा प्रकृति ये सृष्टि को धारण करके रखा है। खर भाव का माने हैं खर अक्षर, यही खर भाव अर्थात अपरिणामी निर्विशेष कुटस्थ निर्गुण स्वरूपी अक्षर पुरुष अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भावे पुरुषोत्तम का रूप से निर्गुण होकर भी सगुण सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता यज्ञ तपस्या भोक्ता सर्वभूत का गोतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित इत्यादि बोल के सो उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृतम उदाहृतः क्या बताया उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्यो विभक्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरम् अतीतो अहम् अक्षराद् ओपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः प्रथितः पुरुषोत्तमः ऐसा करके बताया गया। अभी क्या है भगवान अपने को पुरुषोत्तम क्यों मेरा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम लोक व्यवहार में और शास्त्र में मेरे को पुरुषोत्तम बोल के माना गया क्योंकि सबसा सबका ऊपर सबसे ऊपर हूं मैं अनोखा। और जो मामेव असंग मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति मान सर्वभावेन भारत जो माम एव असंग मूढ़ो जानाति जो व्यक्ति मेरे को बहुत ध्यान से मेरा बारे में मेरा तत्व को जानते हैं जो माम एव मेरे को ही जो मामेव असंग मूढ़ो जानाति अप्रमत्त होकर जो मेरा बारे में जानकारी को प्राप्त करता है जो जो माम एव जो माम एव असंगमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारतः। भगवान कह रहे हैं कि हे भारत जिस व्यक्ति ये तरह तरह का विचार जो है तरह तरह का जो अलग अलग का विचार है इसके द्वारा अगर मोह प्राप्त ना होए जो व्यक्ति तरह तरह का विचार के द्वारा पागल ना हो जाए जो व्यक्ति तरह 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 का विचार लेकर पागल न हो जाए जो व्यक्ति नाना मतवाद डिफरेंट कैन मतवाद सिद्धांतों मतवाद इसी जो व्यक्ति ये नाना डिफरेंट काइंड ऑफ मतवाद का ऊपर दिमाग खराब नहीं करते मोह प्राप्त नहीं होते वो हमको प्राप्त करता है पुरुषोत्तम तत्व रूप में मेरे को जानकारी प्राप्त होता है। क्या बताया बताया जो माम एवं असंगमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम अप्रमत्त
होकर बड़ा सावधानी से जो मेरा तत्व को जानकारी प्राप्त होता है, यो मम एवं असंगमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, स वही व्यक्ति सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं, भक्तिमोहन ठाकुर पहले लिटरल मीनिंग जो है वो कह देता हूं, जो माम एवं असंगमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। हे भारत, जो व्यक्ति तरह तरह का इस विचार में मोह प्राप्त नहीं होके तरह तरह का विचार में मोह प्राप्त नहीं होके मेरा जो पुरुषोत्तम तत्व को अनुभव करता है, हमको पुरुषोत्तम रूप में तत्व रूप में अनुभव करता है, वो व्यक्ति सर्वज्ञों, ये जान के रखो ये सर्वज्ञ सब जानता है, ये सर्वज्ञ हैं और सर्वतोभावे, सर्वतोमान में फ्रॉम हार्ट विदाउट एनी ऑप्शन, सर्वतोभावे फुल कंसेंट्रेशन लेकर, फुल विचार बनाकर, पूर्ण विचार बनाकर सर्वतोभावे हमको ही भजन करते रहते हैं। भक्तिमोहन ठाकुर जी ने कहा, जो व्यक्ति ये अलग अलग का तरह तरह का विचार में मोह प्राप्त बिना हुए हमारा ये सच्चिदानंद स्वरूप जो पुरुषोत्तम तत्व इसको जान पाता है, यही व्यक्ति सर्वविद है और यही व्यक्ति दास्य सख्य वात्सल्य मधुर प्रवृत्ति सर्वभावे प्रवृत्ति मधुर प्रवृत्ति रस के द्वारा मेरे को भजन करते हैं। शांतो दास्य सख्य वात्सल्य किसी एक रस में मेरे को भजन करते रहते हैं, ये भूलना नहीं, याद रखना। इसके बाद भगवान कह रहे हैं, बहुत विचार बताया हमारा गौड़ियों टीकाकारों ने, उतना सुनने जाए तो पागल हो जाओगे। जैसे भक्ति रसम सिंधु में भी ये बताया, उसका बाद चैतन्य चरितामृत तो ठीक है कह देते थोड़ा, चैतन्य चरितामृत में ये भगवत तत्व का बारे में बताया गया। ये परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर एक ही है, चैतन्य चैतन्य तो बताया गया, जिसका भागवत्ता से दूसरे का भागवत्ता प्रमाणित होता है, ये भगवत तत्व का सार है। फॉलो, जार भगवत्ता होते अन्यर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर तादेशत, स्वयं भगवान स्वयं रूप भगवान ये बोलने का तात्पर्य है, इसका कोई पीछे रीजन नहीं है, ये अंतिम रीजन है। स्वयं रूप भगवान, स्वयं भगवान ये सब, और ये भगवान से दूसरे सब जो भगवत्ता का दूसरे जो भगवत्ता दूसरे का भगवत्ता का सिद्ध होता है, लेकिन स्वयं रूप भगवान एक ही है, स्वयं रूप भगवान एक ही है। शब्द अवतार, जितना सारे अवतार है पुरुष, जितना सारे अवतार सब पुरुषेर कला अंशो, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश। रसामृत सिंधु में भी बताया गया, सिद्धांत तो हस्तु अभेद ओपी, सिद्धांत विचार के साथ, सिद्धांत विचार के अनुसार नारायण विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भेद कुछ नहीं है। सिर्फ देखो सिद्धांत तो हस्तु अभेद ओपी, सिद्धांत विचार के द्वारा नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद है, क्या है? श्री ईशो कृष्ण स्वरूपयो सिद्धांततः हस्तु अभेद ओपी श्री ईशो कृष्ण स्वरूपयो, किंतु रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपम मेषा स्थिति,
सिद्धांत तो विचार में दोनों में फर्क नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन रसेन उत्कृष्टते, रस का विचार के अनुसार कृष्णो और ईशो, श्री ईशो मतलब नारायण, ये दोनों में भेद है रसस्थिति। सिद्धांत सिद्धांततः अस्तु अभेदयोपि श्री ईशो कृष्ण स्वरूपयोः रसेन उत्कृष्टते कृष्णः न रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूपम एषा रसस्थिति। रस के द्वारा विचार करो तो कृष्ण का पोजीशन अपर है, नहीं तो एक ही है। और 20 नंबर श्लोक, ये अंतिम श्लोक है, ये अध्याय का 15 नंबर अध्याय का, ये 15 नंबर अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। यहां बताया गया, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इदम गुह्यतमम शास्त्रमिदम युक्तम मया अनघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानो सत् कृत कृतस्य भारत। कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं अनघ ए निष्पाप, हे अनघ हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुमको ये जो गुह्यतम शास्त्रों का उपदेश अभी दिया है 15 अध्याय में, जीव ये तत्वज्ञान का उपदेश उसका समझ में समझ पाता है अगर, तो जीव यहां अर्थात ये तत्व अवगत जानने का बाद सम्यक ज्ञान ला, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके कृतार्थ कृतकृतार्थ हो जाता। क्या बताए, हे अनुभव हे अर्जुन हे भारत हे भारत हे भारत, हा भरत वंशीय श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुमको जो गुह्यतमो गुह्यात गुह्यतमो जो ज्ञान उपदेश किया है, गुह्यतमो उपदेश किया है, जीव ये तत्व ज्ञान अनुभव करने का बाद ज्ञानी सम्यक ज्ञानी और कृतार्थो हो जाता है। सम्यक ज्ञानी का मतलब मैच्योर्ड ज्ञान है, और तो कृतकृतार्थ कब होता है, भक्ति नहीं होने से कृतकृतार्थ होता नहीं, तो ज्ञानी और कृतकृतार्थ मतलब ये ज्ञान जो है कच्चा ज्ञान जरूर नहीं है, पक्का ज्ञान है। तो क्या बताया भगवान, इति गुह्यतमम शास्त्रम, क्या बताया, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम युक्तम मयानघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानो सात् कृतो कृतस्य भारत। क्या बताया, इति गुह्यतमम शास्त्रम, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्तम प्रवासते। क्या बताया, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम युक्तम मयानघ इति गुह्यतमम शास्त्रम इति गुह्यतम इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम इदम उक्तम मयानघ उक्तम मेरा मेरा द्वारा कथित, मैं जो बोला इसको समझाने के लिए कह रहे हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मयानघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानो सात् कृतो कृतस्य भारत। ये सुनने का बाद कृतकृत्य हो जाता है, मालामाल हो जाता है तत्वज्ञानी। इति श्रीमा महाभारती शतो सहस्रायम संहितायम बैया शिक्षाम भीष्मो पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्वायम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमो योगो नामो पंचोदशोऽध्यायः समाप्तः। तावद् भयं दविन देह स्वित निमित्तं
स्पृहा परिभव विपुलश्च लोभ तावत मम इति असद अवग्रह आर्ति मूलम जावन नाते अंग्रिम अवयम प्रवृणीत लोकः। भगवान जब तक आपका चरण को सहारा नहीं लेता है, भगवान जब तक आपका चरण का सहारा कोई नहीं लेता है, उसका पल पल में पराजित होना, ये होना स्वाभाविक है। काम क्रोध लोभ मोह का लाथी 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 एक लात खाते 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 वो परेशान हो जाता है। यही तो पराजय है। काम क्रोध लोभ मोह मदो माश्चर्य का सर्वरूप का लात खाते 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 ये पागल बन जाते, ये पागल बन जाते, इसका रास्ता नहीं दिखता, ऐसा है। तो ये जो है अभी ये गीता का 15 नंबर अध्याय का समाप्ति आज घोषित किया, अगले सप्ताह नया हो। तो ये जो श्लोक देके मैंने शुरू किया था, इसका थोड़ा व्याख्या करके आज इसका समाप्त करो। व्याख्या ये है, सीधा व्याख्या है, जिस समय तक भगवान, जिस समय तक बद्ध जीव आपका चरण का सहारा नहीं लेता है, तब तक इसका पल पल में पराजय, पल पल में हारना, मरना। अंग्रेजी में कहावत है, जानते हो आप, अ कावर्ड डाइज बिफोर, अ कावर्ड डाइज मेनी टाइम बिफोर इज एक्चुअल डेथ। भीतो आदमी जिसका कोई मकसद नहीं है, गोल नहीं है, भगवान का चरण दिखता नहीं, ये लोगों तो पागल है, कुछ भी करे ये पागल है, इसका पराजित होना ही है। सो तावत भयम द्रविण देहो, द्रविण मतलब पैसा, धन दौलत, पैसा आना जाना, ये जो आते आते जाते रहते हैं, और जिंदगी भर का टेंशन है, इतना पैसा खराब हो गया, इतना पैसा लगाया था हो गया, चैन से नींद भी नहीं ले सकता, चैन से नींद भी नहीं ले। हमने याद है ना एक श्लोक बताया था, अहम आप्तितार्थ करना निशिनी सयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयो योपि देवा जिस्माद प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। एक ही है ना, एक ही तो माने है, जिस्मत प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति, उसका ही संसार में आना है, उसका ही संसार में भोगना है, जो आपका चरण में शरण नहीं लेते, आपका कथा सुनते नहीं, उसका चैन से उसका नींद भी नहीं है, चैन से नींद भी नहीं होता नहीं, ऐसा ही है। तो अहम आप्तितार्थ करना निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया खन भगन निद्रा दैवाहतार्थ रचया ऋषयो योपि देवा युष्माद प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति, युष्माद प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।